तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी भाई जाए, हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे। गुरुग्राम से सटे नूह में विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हिंसा और बवाल के बाद हालत तनावपूर्ण हो गए। देखते ही देखते बवाल पत्थरबाजी, गोलीबारी और आगजनी में तब्दील हो गया। इस हिंसा में 2 होमगार्ड जवान की मौत हो गई, जबकि DSP सहित 10 पुलिस वाले अधिकारी कर्मचारी घायल है। इसके अलावा 20 से ज्यादा नागरिक के घायल होने की खबर है, जिसके चलते नूह में 2 दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालात पर काबू पाने के लिए पूरे इलाके में पैरा मिलिट्री की 20 कंपनियां तैनात की गई है। रेवाड़ी, गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद समेत 5 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। विश्व हिंदू परिषद का आरोप है कि उन्होंने प्रशासन को 6 महीने पहले ही यात्रा के बारे में बता दिया था। आरोप है कि यात्रा के साथ हरियाणा पुलिस के कुछ जवान भी थे, मगर जैसे ही यात्रा पर पथराव हुआ तो पुलिसकर्मी वहां से भाग गए। अब सवाल उठ रहा है कि जब हर साल इस यात्रा को निकाला जाता था, इस बार यात्रा के दौरान हिंसा क्यों हुई, जाने क्यों भड़की हिंसा। राजस्थान के भरतपुर के नासिर जुनैद हत्याकांड के मुख्य आरोपी मोनू मानेसर ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया था। इस वीडियो में वो लोगों को इस यात्रा में शामिल होने का न्योता दे रहा था। वो खुद भी इस यात्रा में शामिल होने की बात कह रहा था। इलाके के लोगों ने इस पर गुस्सा जताया। मोनू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी गई थी। हालांकि मोनू मानेसर इस यात्रा में शामिल नहीं हुआ। मोनू मानेसर के इस वीडियो के बाद दूसरे पक्ष के लोगों में गुस्सा था। उन्होंने मोनू की इस वीडियो को अपना चैलेंज माना। दूसरे पक्ष के लोगों का कहना था कि मोनू मानेसर उन्हें उकसा रहा है। उन्होंने पहले ही कह दिया था अगर मोनू मानेसर इस यात्रा में शामिल होता है तो वो प्रदर्शन करेंगे। अगर मोनू इस वीडियो को जारी नहीं करता तो शायद नूह में ऐसे हालात पैदा ना होते। BJP के जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ ने गुरुग्राम से हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को रवाना किया था। यात्रा के साथ पुलिस की एक टुकड़ी तैनात की गई थी, मगर नूह के खेड़ला मोड़ के पास लोगों के एक समूह ने इस यात्रा को रोक दिया। जुलूस पर पत्थर फेंके गए। कुछ ही देर बाद कारों में भी आग लगा दी गई। लोगों को लगा कि मोनू मानेसर भी इस यात्रा में शामिल हुआ है। मोनू की इस यात्रा में शामिल होने की अफवाह फैलने के बाद हिंसा भड़क गई। पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों की ओर से भड़काऊ बयानबाजी हो रही थी, लेकिन शायद इसे सरकार की खुफिया तंत्र की असफलता कहे या सरकार ने इसे बहुत हल्के में ले लिया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन व सरकार इस उपद्रव से निपटने में पूरी तरह असफल रही। उपद्रव के 5-6 घंटे बाद भी सुरक्षा बल और एक्स्ट्रा फोर्स मौके पर नहीं पहुंच पाई। नूह की हिंसा के बाद गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत पूरे हरियाणा में आज हालात स्थिर और बेहद तनावपूर्ण है। हिंसा में 2 होमगार्ड सहित अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने हिंसा के सिलसिले में कुल 116 लोगों को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की 20 कंपनियां और हरियाणा पुलिस की टुकड़ियां लगातार शांति बहाली का प्रयास कर इलाके में फ्लैग मार्च कर रही है। हालात को देखते हुए अन्य जिलों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। नूह में हुए हिंसक हमलों के बाद हिंदू संगठनों में रोष है। इसको लेकर बुधवार शाम 4 बजे मानेसर में एक बड़ी महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें मानेसर के सभी गांव के लोग और हिंदू संगठनों से जुड़े लोग शामिल होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नूह हिंसा में किसी बड़े षड्यंत्र का अंदेशा जताते हुए मंगलवार को कहा कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में शामिल किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। नूह की हिंसक घटनाओं की जाँच करेगी SIT। कर्फ्यू में थोड़ी देर के लिए ढील दी गई। हरियाणा के DGP ने बुधवार को कहा कि नूह की हिंसक घटनाओं की जांच के लिए अलग अलग SIT बनाई जा रही है और प्रत्येक SIT को 7 से 8 केस दिए जाएंगे। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भड़काऊ भाषण देने वालों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। DGP ने कहा कि राज्य में हालात काबू में है और नूह में कर्फ्यू में थोड़ी देर के लिए ढील दी गई है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम पूरी तरह सुरक्षित है और हिंसा की कोई खबर नहीं है। तो ये था नूह हिंसा में हुई अब तक की घटनाओं का ब्यौरा। और भी आगे के लेटेस्ट न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया इन्फो एंड लाइक दी वीडियो।